नमस्कार, मैं भाग्यश्री। मिस इन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। पंडित प्रदीप मिश्रा छिंदवाड़ा नागपुर रोड से सिमरिया हनुमान मंदिर में 5 दिवसीय कथा का आयोजन होने वाला है, जिसके लिए वो वहां पहुंचे, जिसको लेकर आज कलश यात्रा नरसिंहपुर रोड स्थित हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गुजरी। इस कलश यात्रा में पंडित प्रदीप मिश्रा, सांसद नकुलनाथ शामिल हुए और हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी बंधु भी इस कलश यात्रा में साथ चले। वहीं जिले के समस्त धार्मिक संगठन भी इस कलश यात्रा में शामिल हुए। पंडित प्रदीप मिश्रा की एक झलक पाने के लिए काफी मात्रा में आज लोग मुख्य मार्गों पर नजर आए, जहां लोग प्रदीप मिश्रा की झलक पाने के लिए 1 घंटे तक रोड पर खड़े रहे। वहीं मंगलवार से कथा आरंभ होगी। मिशन न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। गोंदिया स्थित बालाघाट रोड, वसंत नगर, आजाद वार्ड, गोंदिया वार्ड क्रमांक 5 की स्थिति बिल्कुल ही दयनीय हो चुकी है। यहां लोगों को अपने घर के अंदर जाने में तकलीफ हो रही है। घर के सामने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं, जिसमें बारिश का पानी जमा हो रहा है और डेंगू मलेरिया को न्योता दे रहा है। क्या प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है? कुछ आला भूतपूर्व वार्ड मेंबर भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा वार्ड के वरिष्ठ नागरिक मनोज साकुरे व मधुकर मंडे ने प्रशासन से कहा है। वह प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द हमारे घर के सामने जो गट्टू अनियमितता तरीके से रखे गए हैं, वह बड़े बड़े गड्ढे हैं, उसे बुझाया जाए और जल्द से जल्द गट्टू व रोड का काम संपन्न किया जाए। समस्या है, 10-12 दिन हो गए अभी ये काम चालू करके हो रहे, गड्ढा खुद के रखा हुआ है, हमको जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। कौन सा काम चालू करके रखे? ये गट्टू का और रोड का काम चालू है। ये जो नीचे जहाँ पे खड़े हो वाली बात कर रहे हो क्या? अच्छा, इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरे को तो जाने आने में तो बहुत तकलीफ हो रही है, ना मैं चढ़ सकता हूँ, ना उतर सकता हूँ, ना गाड़ी निकाल सकता हूँ। ये रोड का जब काम चालू हुआ था, इसके लिए कोई इंजीनियर आया था पहले इसका एस्टीमेट लेने के लिए, गड्ढा खोदने के पहले आपको इंटीमेट किए थे? ना, ऐसा कुछ दिखा। कितने दिन हो गया इसको? 10-12 दिन हो रहा है लगभग। ठीक है। वसंत नगर प्रभाग क्रमांक 5 येथील माझ्या घराच्या समोरील श्री सचिन शेंडे यांनी रस्त्याचा काम रस्त्याला खोलून गट्टू काढून त्या ठिकाणी नाली बनवायच्या विचारात होता, पण आता कमीत कमी याला 6 महिन्याच्या जवळपास झाले आहे। 6 महिन्यापासून त्याने गट्टू काढून ठेवला आहे, पण इथे त्याने बनवलेलं नाही आणि वारंवार त्याला सांगून सुद्धा पण तो यायला पण इथे तयार नाही, किंवा नगर परिषदचे लोक किंवा कोणतेही अधिकारी कर्मचारी इथे येऊन रस्त्याची चौकशी केली नाही आणि उलटसुलट कोणते तरी कामं करत राहते। सिमेंट रोडवर त्यांनी आपलं गठ्ठू लावून इथे पाणी जमा राहते आणि पाणी निघत नाही, याच्याकरता त्याच्याकडे वारंवार जाऊनसुद्धा पण तो लक्ष काही देत नाही इथे। मिशन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। गोंदिया जिले के आमगांव देवरी विधानसभा के विधायक सहसराम कारोटे इस समय काफी चर्चा में हैं। जो काम उन्होंने नहीं किया उसका श्रेय लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहने वाले आमगांव विधानसभा विधायक सहसराम कारोटे ने आगे कदम बढ़ाया। जनता जान चुकी है कि देवारी में ग्रामीण अस्पताल के उद्घाटन के बाद से ऐसा हो रहा है। ऐसी एक घटना सारिकसा तालुका के पांडरवानी गांव में हुई, जब विधायक सहसराम कारोटे अधूरे काम का श्रेय लेने के लिए गांव में गए तो गांव के लोगों ने उन्हें पूरा हो चुके काम का श्रेय लेने से रोकने के लिए उनका रास्ता रोक दिया। इसलिए आमगांव देवरी सारिकसा में विधायक सहसराम कारोटे का विरोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब लोग इसे किस तरह से देखते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। बीसीएन न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।